वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर चैनल एक्सप्लोर विद पुल। सो आज हम आ गए हैं आपके लिए एक हेल्दी एंड टू मच ओल्ड रेसिपी लेके। स्ट्रीट फूड का है, कोलकाता का है, हेरिटेज रेसिपी है। लोकेशन है स्प्लैंड डेकर्स लेन। तो डेकर्स लेन के लोकेशन पे आज हम आए हैं एक हेल्दी स्ट्रीट फूड लेके। चलिए ओल्ड के साथ साथ कितना गोल्ड है एक्सप्लोर करके देखते हैं। दुकान का नाम है चित्तो बाबू का दुकान। तो चित्तो बाबू का दुकान लोगों का कहना है बहुत पुराना है। और यहाँ पे जो हम ट्राई करने वाले हैं सबसे फेमस चिकन स्टू के साथ टोस्टेड ब्रेड। चिकन स्टू के साथ स्ट्रीट साइड टोस्टेड ब्रेड, कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा टेस्ट है। और इतने सालों से क्यों इतने सारे लोग यहीं पे अपना छोटा मोटा लंच कंप्लीट करना पसंद करते हैं, यही राज आज जानते हैं। तुक्की पान का इक्का, ईंट की तुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट होता है पूरे एकदम देसी स्ट्रीट स्टाइल में। ये है घुगनी और टोस्टेड ब्रेड, एकदम यहाँ से गर्मा गर्म टोस्ट होके परोसा जा रहा है। और फेमस आइटम है जो यहाँ पे सब लोग पीना पसंद करते हैं, वो देसी स्टाइल चाय। ये बन रहा है पुराने स्टाइल में चाय। ये बर्तन भी बहुत सदियों पुराने लग रहे हैं, पुराने दुकान के पुराने स्टाइल में बनती हुई धुएंदार धमाकेदार चाय। यहाँ पे ऐसे पानी डाल के पहले लिकर बनाया जाता है, फिर दूध के साथ ऐसे करके मिलाया जाता है। कैश पे यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सो भैया, ये दुकान का नाम क्या है एक बार जरा रिपीट कर दीजिए आप। कलकत्ता का भाषा बंगाली है, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो चित्तोदा रेस्टोरेंट बोल के पहचान हुआ है सारा वर्ल्ड से, सारा इंडिया से जो लोग आते हैं, नॉन बंगाली हो या बंगाली लोग हो जो बाहर चला गया है, वो लोग भी आते हैं चिकन स्टू का कुछ करता है। तो चिकन स्टू चित्तोदा का मसूर, चित्तोदा का मसूर है, फिश फ्राई, चिकन स्टू, वेजिटेबल स्टू, रोटी, बटर टोस्ट। ओके, ऑफिस एरिया है इधर में, यही सब चलता है। चित्तोदा का दिमाग में यही आया था, यही शुरुआत है, अभी भी बिगनिंग चल रहा है। कितना कितना पुराना ये शॉप है? 72 years old। ओके, सो 72 इयर्स से सेम टेस्ट आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सब लोगों का जलवा है जो चित्तो बाबू का देखा है ना, चित्तो का और तो अच्छे मन। ओके, तो चित्तोदा का जो मीनिंग्स है वो है मन, और वो मन से ही बनाते थे, अभी भी मन से चल रहा है। जो लोग देखिए, हम लोगों का इधर में बहुत एजेड कस्टमर है। ओके, 60 या 40 या 75 85, अभी भी पेंशनर होल्डर है, वो आता है महीना में एक बार आके इधर बैठ जाता है, एक तो टोस्ट एक तो चाय खाने के लिए। ये हम लोग का बहुत कुछ डिस्कस नहीं होता है, लेकिन हम लोग दिमाग में लेता है ये रिलेशनशिप है। अगर किसी को आउट ऑफ कोलकाता हो, आउट ऑफ इंडिया के अभी कोलकाता आए, तो कैसे इस जगह पे पहुंचना है, वो लोकेशन जरा बता दीजिए। हावड़ा या फ्लाइट में उतारा दमदम एयरपोर्ट या सियालदा, उधर से सभी कनेक्टेड है, धर्मतला का बस या उबेर कनेक्ट किया, इधर चला आएगा। धर्मतला का आने का मतलब है कलकत्ता में घुस गया तो हावड़ा ब्रिज, मोनूमेंट, राजभवन, वो पॉलिटिकल इशू भी देख ले आते हैं आदमी लोग।
तो जो कर्म में आता है, जो दिमाग में लेके आता है, लेकिन एक दिमाग में हम लोग को चल जाता है, जो चित्तौड़ा का दुकान में हमको जाना है चिकन स्टू खाना। ओके चलिए, नहीं तो अधूरा रह जाता घूमने के लिए। तो चलिए आज चिकन स्टू और टोस्टेड ब्रेड ट्राई करके देखते हैं। थैंक यू भैया। ये है यहाँ का फेमस चिकन स्टू। मुझे लेग पीस चाहिए भैया। देखने में तो पूरा डिलीशियस ही लग रहा है, एकदम हेल्दी। इसमें क्या क्या डाला हुआ है चिकन छोड़ के? ये पपीता है। पपीता है। ओके, पपीता के बाद गाजर है। गाजर है। बीन्स है। बीन्स है। सुबह कितने बजे से मिल जाता है? 9:30। और कितने बजे तक चलता है? 9:00। रात 9:00। चलिए अब टेस्ट करते हैं। ये हमारा प्लेट आ गया है। ब्रेड बढ़ा दे? नहीं, आप नॉर्मल टोस्ट दे दीजिए, जो ग्रिल हो रहा है वैसे टेस्ट टोस्ट दे। इसके ऊपर से आ गया है काली मिर्च, ब्लैक पेपर आ गया है हाथ में। डिलीशियस, द फेमस, कोलकाता फेमस, बेकर्स लेन में चिकन स्टू। तो ये बैठने का अलग से जगह नहीं है, इधर उधर बेंच है, हम खड़े हो गए। देसी स्टाइल में आपको दिखाना है खाना इसलिए। तो यहाँ पे दो पीस पपीता दिया गया है, एक पीस गाजर दिया गया है, दो चार यहाँ पे बीन्स है, और एक बड़ा सा लेग पीस है चिकन का जो थोड़ा सा टूटा हुआ है, मतलब चिकन को थोड़ा हैंडीकेप्शन हुआ था और टूट गया है, कोई बात नहीं। तो पहले स्टू का, स्टू जो है चिकन का, वो ट्राई करके देखते हैं। टोटली हेल्दी है, ज़्यादा स्पाइसी, अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बॉइल्ड चिकन का एक फ्लेवर है, ब्लैक पेपर है, लिटिल बिट स्पाइसेस है, एंड वेजिटेबल्स का थोड़ा बहुत स्मैश्ड आउट जो जूसीनेस होता है वो। तो आई रिकमेंड जो लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो वो ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं। अब ये पपीता गाजर बाद में खाते, मैं थोड़ा नॉनवेज ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये वाला आपको दिखा देते हैं, ये है चिकन का लेग पीस, ट्राई करके देखते हैं। चिकन बहुत टेस्टी है, फुल्ली कुक्ड अंदर तक, और फ्लेवर बहुत अच्छा है। चलिए हाथ में ब्रेड आ गया, ब्रेड से ऐसे जैसे लोगों को दिख रहा है लोग खा रहे हैं ऐसे ऐसे करके डुबो के डिप करना है, ठीक है, देन आपको बाइट लेना है। दिस टेस्टी, ऐसे करके खाओ तो टेस्टी लगेगा, ऐसे सूप के तरफ ही होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी लग रहा है पेशेंट वाले, ठीक है, वैसे मत ट्राई कीजिए, ऐसे ट्राई कीजिए, सिखा भी दे रहा कैसे खाना है। ये जो एक प्लेट पूरा आपको चिकन स्टू दिख रहा है, साथ में ये दो ब्रेड, ये चिकन स्टू आपको फुल प्लेट पड़ेगा 100 रुपीज़ का, और इसके साथ दो ब्रेड लेंगे तो 10 रुपीज़ का, टोटल 110 रुपीज़ का ये कॉम्बो आपको मिल जाएगा। हेल्दी है, टेस्टी है, एंड ऑब्वियसली हेल्दी रहना कभी कभार बनता है, मेरे जैसा अनहेल्दी हमेशा बनना सही बात भी नहीं है। चलिए अगर हेल्दी खाने का मन हो ज़रूर इस गली में घूमने की एक बार इच्छा रखिएगा। कोलकाता आइएगा तो कोलकाता का हेरिटेज को देखना बनता है। खाने के लिए आना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा अगर खाना आगे देखना है तो। सो मैं खाती हूँ, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, स्टे वेल, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दो। बाय।